तो आज की क्लास में बेसिकली हम सीखेंगे कि एक कॉल कैसे दिया जाता है, हाउ टू गिव ए सिंपल कॉल हम आपको देना सिखाएंगे इस क्लास में। उसके साथ साथ बताएंगे कि एटीसी क्या है, एटीसी कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से रेंज में आपको किसको कॉल देना है, इन सभी चीजों के बारे में बेसिकली इस क्लास में आज आपको सिखाने वाले हैं। तो हाउ टू गिव ए कॉल, इसके लिए मैंने एक मेथड निकाला हुआ है जो कि है YMLR। आपको बस ये चार वर्ड हमेशा याद रखना है, YMLR। आप इसको याद कैसे करोगे? यार मैंगलोर चले, एमलार मतलब मैंगलोर हो गया, वाई स्टैंड फॉर यार एंड एमलार हो गया मैंगलोर चले। अब सब चीजें हैं किसके लिए, वाई स्टैंड फॉर, वाई किसके लिए स्टैंड करता है, यू, यम किसके लिए, मी, यल किसके लिए, लोकेशन के लिए, एल किसके लिए है, लोकेशन के लिए है, ओके, एंड आर किसके लिए है, रिक्वेस्ट के लिए। ये जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। फटाफट जल्दी जल्दी अपनी क्लासेस फिनिश करेंगे जो नॉर्मल फॉर्मेट्स है, एंड लास्ट में हम कुछ दिनों में अपना सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो भाई, जब आपको एक सिंपल कॉल मिला रहे हो, आप कहीं पर भी आप एक सिंपल कॉल दे रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, जो सामने वाला बंदा है, आप कॉल मिला है, तो आप क्या बोलोगे कि आप हो कौन, उसका नाम सबसे पहले आप पूछोगे, ठीक है। तो क्या हो गया सबसे पहली चीज, अगर कोई पायलट है ओएटीसी को कॉल कर रहा है, तो पहले जानना चाहिए ना कि किस किस जोन में कॉल करना चाहिए। तो देखो वाई, वाई स्टैंड फॉर यू, मतलब कि अगर आप किसी को कॉल दे रहे हो, सबसे पहले क्या सामने वाले को कॉल दे रहे हो, सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए कि कौन है, किसके किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या बताते हो, अपना नाम बताते हो कि हम कौन है आप, ठीक। उसके बाद क्या, आप कहाँ से बोल रहे हो, फिर उसके बाद लास्ट हो जाता है कि आप रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो। ये चार चीजें याद रखना। उसके बाद साथ साथ आपको क्या याद रखना है, वाई और यम के बीच में एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी। वेट वन सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। जब भी आप कहीं पर फोन मिलाते हो, जब आप घंटी मिलाते हो, तो क्या क्या चीज आप ध्यान रखते हो कि फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप कुछ फ्रीक्वेंसी पर बात की जाती है ना किसी से, तो फ्रीक्वेंसी ये हमेशा आपको बोलना होगा। फ्रीक्वेंसी कैसे बोली जाएगी इसको भी मैं सिखाऊंगा आपको, फ्रीक्वेंसी। उसके साथ साथ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, क्या टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, किस टाइप का एयरक्राफ्ट है, कब बोलोगे, जब आप वाई बोल दोगे दोगे, तो उसके बाद क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी बोलोगे और टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बोलोगे, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, ओके। तो उसके बाद लोकेशन एंड लास्ट में रिक्वेस्ट बोलोगे आप। देखो सबसे पहले, अब चलो अब यहाँ पर कॉलिंग कैसे होनी है आपका, आप मान लो एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए हो, तो आप किसको कॉल दोगे, आप एटीसी को कॉल दोगे ना, ये आपका कहीं पर भी आप बैठे हो, चलो मैं बोल दिया कि आप स्टैंड नंबर 2 पर हो, स्टैंड है, ठीक है, आपका जहाज ऐसे पार्किंग में लगा हुआ है, ठीक है, आपका जहाज रखा हुआ, ये है आपका टावर, ठीक है, ये है आपका टावर, ये है आपका टावर बेसिकली, ठीक है, आपका जहाज यहाँ पे स्टैंड में पार्किंग में लगा हुआ है। तो जो पायलट अंदर बैठा है, मान लो इसको स्टार्टर स्टार्टर पर का क्लियरेंस है, स्टार्टअप करना है पायलट को, तो किससे परमिशन लेगा, एक तो एटीसी से परमिशन लेगा ना, तो बेसिकली जो भी आरटी के अंतर्गत बात होना है किसी भी सिचुएशन में, किससे किसके बीच में होना होता है बात, एक पायलट के बीच से, एक पायलट और एटीसी के बीच में, सम टाइम पायलट टू पायलट के बीच में ट्रांसमिशन होता है, ओके। अब आप यहाँ पर आगे देखना, कॉलिंग कैसे देनी है, सबसे पहला चीज क्या था, वाई, वाई यू, यू यू क्या है यहाँ पर बताओ, अगर कोई पायलट कॉल दे रहा, किसको दे रहा है, एटीसी को दे रहा है ना, पायलट किसको कॉल देगा, एटीसी को देगा, तो आपको ये जानना जरूरी है कि एटीसी के कितने जोन्स हैं, एटीसी को कितने भागों में बांटा गया है, ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना, एटीसी को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि जो पहला एक पायलट जब कॉल देगा सबसे पहले, तो एटीसी को कॉल देगा ना यू। देखो यू क्या होता है, यहाँ पर चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, यू क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एटीसी, ओके। चार पार्ट कौन कौन से पार्ट है देखना, फर्स्ट पार्ट इज ग्राउंड, सेकेंड पार्ट इज टावर, थर्ड पार्ट इज अप्रोच, फोर्थ पार्ट इज कंट्रोल, ठीक है। अब आप किसी को कॉल मिला है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसको कॉल देना है, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को भी कॉल देने लगे, ऐसे रैंडमली किसी को घुमा दिए, एटीसी को कॉल देना। अगर एक पायलट किसको कॉल देता है, पायलट हमेशा एटीसी को कॉल देता है, लेकिन एटीसी भी भाई जो है चार भागों में डिवाइड किया गया है ना, एटीसी ऐसे तो है नहीं कि अकेला एक एटीसी है, या आप उसको कॉल मिला दिए,
तो उसके भी चार भाग हैं, तो आप किस जोन में, आपकी पोजीशन क्या होगी कि आप ग्राउंड को कॉल दोगे, टावर को तो कॉल दोगे, अप्रोच को दोगे, कंट्रोल को दोगे, कब आप कहाँ पर किसको कॉल देना है, इस चीज को सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए लिखिएगा, ग्राउंड का जो जोन होता है वो होता है हमारा एप्रोन एरिया, एप्रोन एरिया एंड टैक्सी वे। ग्राउंड का क्या होता है जोन? एप्रोन एरिया एंड टैक्सी वे। अगर आप एप्रोन एरिया पर हैं और टैक्सी वे पर हैं तो आप किसको कॉल देंगे, आप उस टाइम किसको कॉल, म्यूट कीजिएगा, जिसका भी अगर अनम्यूट रहे तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब देखो एप्रॉन एरिया कौन सा एरिया होता है? एप्रॉन एरिया जहां पर हमारे एयरक्राफ्ट पार्किंग में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब चलो देखो ये हमारा एप्रॉन एरिया, बेसिकली इसे जाओ एप्रॉन एरिया, यहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट क्या है, स्टैंड में खड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा स्टैंड नंबर वन, स्टैंड वन टू थ्री, हमारे एयरक्राफ्ट, म्यूट कीजिए फोन में, अतुल म्यूट कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है ना। देखिए स्टैंड वन टू थ्री, ठीक है, तीन स्टैंड है, यहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है। तो एप्रोन एरिया कौन सा एरिया हो गया, जहां पर एयरक्राफ्ट हमारा पार्किंग बे में खड़े होते हैं। तो और टैक्सी बे क्या होता है, देखना टैक्सी बे, अब यहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, तो एप्रोन एरिया में क्या मांगा जाता है, स्टार्टअप का क्लियरेंस मांगा जाता है, स्टार्टअप का। उसके बाद हमारा एयरक्राफ्ट पुश बैक होता 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 हुआ कहाँ जाता है, टैक्सी वे पर हमारा एयरक्राफ्ट आ गया। देखो टैक्सी वे पर आता है हमारा एयरक्राफ्ट, जब एयरक्राफ्ट हमारा टैक्सी वे पर, दिस इज अ टैक्सी वे, ओके दिस इज अ टैक्सी वे, जब हमारा एयरक्राफ्ट टैक्सी वे पर पहुंचा तो हम क्या बोलेंगे उस टाइम, टैक्सी का क्लियरेंस मांगते हैं। या फिर जब हमारा एयरक्राफ्ट स्टैंड पर भी खड़ा रहता है, स्टैंड पर भी एयरक्राफ्ट हमारा खड़ा है, ओके हमने स्टार्टअप कर लिया है, तो हम उस टाइम भी टैक्सी का क्लियरेंस मांग सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड का जोन क्या है, ग्राउंड की लिमिटेशंस क्या है। ग्राउंड की लिमिटेशंस है दोस्तों स्टैंड पर जब आप हैं, या फिर आप जब टैक्सी वे पर हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा, ये हो गया आपका रनवे में एंट्री, ठीक है, एंड दिस इज योर रनवे, वन सेकेंड, दिस इज, ये है आपका रनवे का होल्डिंग पॉइंट है, दिस वन पॉइंट। जब आप टैक्सी वे से आपका जहाज यहाँ पहुंचा, यहाँ फिर उसके बाद जब आपका जहाज टैक्सी वे से रनवे की तरफ बढ़ता है, एंट्री करता है, तो जो एक पॉइंट होता है जो टैक्सी वे को और रनवे को अलग अलग डिवाइड करता है, उसको कहते हैं हम रनवे होल्डिंग पॉइंट, दिस इज रनवे होल्डिंग पॉइंट। जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखते भी चलना, नोट करते भी चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब, ठीक है, दिस इज ए रनवे होल्डिंग पॉइंट। तो बिफोर रनवे होल्डिंग पॉइंट है जितना भी एरिया है टैक्सी वे का और स्टैंड का जो भी एरिया है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा ग्राउंड के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है ना, किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारा ग्राउंड के अंतर्गत आएगा। और जैसे अगर क्वेश्चन में हो गया कि आप कहाँ पर हैं, आप रनवे होल्डिंग पर खड़े हैं, दिस पॉइंट इज रनवे होल्डिंग, मान लो आपका एयरक्राफ्ट इस पर खड़ा है, या फिर आपका जहाज रनवे पे पहुंच गया, ठीक है, तो कहाँ पहुंच गया, तो टावर पहुंच गया। तो इस पॉइंट को आप पहले नोट करना, सबसे पहले वन सेकेंड देखना, हम अपने लास्ट स्लाइड पर आते हैं। देखो लास्ट स्लाइड हमारी क्या बताया था मैं आपको, ग्राउंड के, ग्राउंड का जो जोन होता है, देखिएगा जो ग्राउंड का हमारा जोन होता है, जो हमारा ग्राउंड का जोन होता है वो होता है एप्रॉन एरिया एंड टैक्सी वे। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि टावर का क्या जोन होता है, ठीक है, लिखना, टावर का जोन होता है हमारा, टावर का होता है रनवे होल्डिंग टू, रनवे होल्डिंग टू फ्लाइट लेवल 50 तक, रनवे होल्डिंग से लेकर के, देखिए रनवे होल्डिंग कहाँ होता है, इसको आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हो ना, यहाँ पर ये हो गया रनवे होल्डिंग, वन सेकेंड वन सेकेंड, ठीक, देखो ये हो गया हमारा रनवे होल्डिंग, रनवे होल्डिंग से लेकर के फ्लाइट लेवल 50 तक, मतलब कि 5,000 फीट तक जो है आप किसको कॉल दोगे, टावर को कॉल दोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बस ऊंचाई में आप कॉल देना है, आपको हॉरिजेंटली भी तो कॉल देना है ना, तो हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा, 25 नॉटिकल माइल, ठीक है, ये तो आपका फ्लाइट लेवल हो गया इतना ऊंचाई के साथ, और जो हॉरिजेंटल में कितना हो गया हमारा 25 नॉटिकल माइल। तो अगर हमारा एयरक्राफ्ट 25 नॉटिकल माइल और फ्लाइट लेवल 50 के अंतर्गत है, तो हम किसको कॉल देंगे, टावर को कॉल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को याद रखना, फ्रॉम रनवे होल्डिंग, फ्रॉम रनवे होल्डिंग टू फ्लाइट लेवल 50, ये हो गया हमारा क्या हॉरिजेंटल, लाइक देख लो यहाँ पर इसे, ये ऊंचाई बोली जाए तो कितनी हो गई, फ्लाइट लेवल 50 तक, और हम अगर सेंटर है हमारा यहाँ पर, ये वाली कितनी हो गई,
25 नॉटिकल माइल, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से है? रनवे होल्डिंग से, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रनवे होल्डिंग। ऐसा नहीं टैक्सी वे पर हो तो आप उसको कॉल देंगे, रनवे होल्डिंग। ओके, ये है हमारा टावर का लिमिटेशंस, ये हमारा है टावर का रेंज, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? ग्राउंड मैंने आपको सिखा दिया, टावर सिखा दिया, अब मैं आपको नेक्स्ट क्या बताने वाला हूँ? अप्रोच सिखाने वाला हूँ कि अप्रोच का रेंज होता है। अभी मैं आपको यू वाई बता रहा हूँ, वाई यू कि अभी आप कॉलिंग दे रहे हो, कॉलिंग कैसे देना है, किसको देना है, ये आपको सबसे पहले सीखना जरूरी है कि किसको कॉलिंग देना है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या यहाँ पर आता है? अप्रोच एरिया आता है। अप्रोच एरिया कैसे होता है समझ रहा? फ्रॉम अप्रोच, फ्रॉम फ्लाइट लेवल 50 टू फ्लाइट लेवल 100, 5,000 फिट से लेकर के 10,000 फिट तक जो है अप्रोच एरिया होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये रेंज हो गई हमारी, कहाँ से कहाँ तक हो गई? ये हमारा टावर था। चलो टावर का हमने क्या आपको सिखाया था कि कितना होता है? फ्लाइट लेवल 50 तक, ये सिखाया था ना अभी लास्ट स्लाइड में। फिर उसके बाद हमारा अप्रोच का क्या रेंज हो गया? फ्लाइट लेवल 100 तक। अप्रोच का क्या रेंज हो गया? फ्लाइट लेवल 100 तक, ठीक है। ग्राउंड टू मीन्स ग्राउंड से रनवे से लेकर के फ्लाइट लेवल 100 तक। समटाइम इस बात को कंफ्यूज मत होना कि देखना अभी आप किस कोई कोई अगर आप स्टेशन देखोगे तो वहां पर आपको टावर ही दिखेगा, अप्रोच ही दिखेगा, आपको वहां पर ग्राउंड नहीं दिखेगा, कंट्रोल नहीं दिखेगा। तो अभी मैं वो सब सिखाने वाला हूँ, अभी जितना बताऊंगा बस उतनी उतनी चीजें पकड़ते हुए चलिएगा, तो आप सब सीख जाओगे, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कि हमारा अप्रोच का क्या रेंज होता है, फ्लाइट लेवल 50 से लेकर के फ्लाइट लेवल 100 तक, तो अगर अब आपके मन में डाउट आएगा कि क्या सर मान लो कहीं पर टावर नहीं है, सुनिएगा, मान लो कहीं पर टावर नहीं है, अब आपका जहाज फ्लाइट लेवल 40 में है, तो आप किसको कॉल दोगे ऐसे टाइम? मैं कह रहा हूँ कि टावर नहीं है आपके पास और आपका जहाज फ्लाइट लेवल 40 पर है, अप्रोच है, तो आप किसको कॉल दोगे? अप्रोच को कॉल दोगे आप, ठीक है। आप क्या करोगे उस टाइम? अप्रोच को कॉल दोगे। तो अप्रोच का रेंज क्या होता है? 50 से लेकर के 100 तक अप्रोच का रेंज होता है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल, ACC, देखना ACC एरिया कंट्रोल सेंटर, इसका मतलब होता है दिस इज एरिया कंट्रोल सेंटर, ACC है, ठीक है। एरिया कंट्रोल सेंटर ये कोई आपका स्टेशन हो गया, चलो दिल्ली है, एरिया कंट्रोल सेंटर का कुछ भी लिमिट्स फिक्स नहीं है, इस बात को याद रखना। आपको मैप में हमेशा ऐसे एक डार्क ब्लू लाइन दिखेगी, वो आपका एरिया कंट्रोल सेंटर का रेंज है। दिस इज आपको मैप में जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम ACC के बारे में सिखाऊंगा कि हॉरिजेंटली कितने दूर तक है एंड वर्टिकली कितनी दूर तक है। तो कुछ इस प्रकार से लाइक अगर दिल्ली का रेंज होता है तो इस प्रकार से आपको लिखा वहां पर मिल जाएगा कि दिल्ली स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट लेवल 100 टू 460, ऐसा कुछ आपको मैप में लिखा हुआ मिलेगा। बट दिस इज नॉट ए फिक्स वैल्यू, ये हमेशा हर एक कंडीशन में चेंजिंग होता रहता है एरिया कंट्रोल सेंटर। तो मैंने बेसिकली आपको अभी क्या क्या बताया, क्या क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको यहाँ पर बेसिकली चार चीजें बताया, क्या क्या? पहला हमने बताया आपको ग्राउंड, देखना ग्राउंड का रेंज आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, अभी आप सभी लोग अंडरस्टैंड होगा ग्राउंड का रेंज क्या है। ग्राउंड का रेंज क्या है? एप्रॉन एरिया हो गया और हमारा टैक्सी वे हो गया जो कि किसके अंतर्गत आता है? ग्राउंड। ओके नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? टावर। नेक्स्ट वन इज टावर। ओके टावर रेंज फ्रॉम रनवे होल्डिंग टू फ्लाइट लेवल 50, टावर रेंज इज फ्रॉम रनवे होल्डिंग टू फ्लाइट लेवल 50 तक। देखो वेयर इज रनवे होल्डिंग? सी दिस पॉइंट इज रनवे होल्डिंग। ओके दिस पॉइंट इज रनवे होल्डिंग, फ्रॉम रनवे होल्डिंग टू फ्लाइट लेवल 50 एंड हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली सही है, 25 नॉटिकल माइल, वन सेकेंड, 25 नॉटिकल माइल एंड वर्टिकली फ्लाइट लेवल टिल फ्लाइट लेवल 50। ओके एंड नेक्स्ट वन इज अप्रोच, अप्रोच रेंज इज फ्रॉम फ्लाइट लेवल 50 टू फ्लाइट लेवल 100 एंड इन हॉरिजेंटल वे, इन हॉरिजेंटल 50 नॉटिकल माइल, दिस इज सेंटर पॉइंट, ओके फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, सॉरी, ओके 50 नॉटिकल माइल अप्रोच रेंज। ओके
अगर हम इसको एक सिंपल से पैटर्न में बनाएं, देखिएगा चारों चीजों को हम एक साथ लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो एक फिगर समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिगर। ओके ओके, दिस इज टावर, दिस इज अप्रोच एंड लास्ट वन इज दिस वन इज टावर, दिस वन इज अप्रोच एंड दिस वन इज कंट्रोल। ग्राउंड तो मान लो, जा ग्राउंड रेंजेस ओनली अब स्टैंड एंड टैक्सी। जब आप दो पोजीशन पर हैं तो आपको ग्राउंड को कॉल देना है। देखिएगा जिसको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, तो आप क्लियरली मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। या तो आप क्लास के एंड में भी इंटरप्ट कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? क्लास के एंड में भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे एंड होगी आप बोलो, मैं रुका रहूंगा, कुछ भी नहीं समझ में आता है आप उस टाइम पूछो, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा आपको, ठीक है? देखो मैंने आपको अभी सब कुछ बताया यहाँ पर कि किसको कॉल देना है। अब आपको एक फिगर के माध्यम से सारी चीजों को मैं समराइज करने जा रहा हूँ। देखो टावर का रेंज मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले कि इसका जो हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है टावर का, बताओ हॉरिजेंटल कितनी दूर तक रहेगा, रहोगे कॉल करोगे 25 नॉटिकल माइल। वर्टिकली कितनी दूरी पर तक कॉल किया जाता है इसमें, 50 नॉटिकल माइल। ओके क्लास, अब नेक्स्ट हमारा देखो, दिस इज ये वाला अप्रोच का है, यहाँ तक अप्रोच है ना, देखो यहाँ तक अप्रोच है। ओके अप्रोच से कितना रेंज मैंने आपको बताया था हॉरिजेंटल में, 50 नॉटिकल माइल, कितना बताया था आपको, 50 नॉटिकल माइल अप्रोच का रेंज मैंने बताया था आपको। और वर्टिकल में कितना बताया था, फ्लाइट लेवल 100 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट लेवल 50। ओके अब कंट्रोल का मैंने आपको क्या बताया था कि कंट्रोल इज नॉट अ फिक्स, ओके इसका रेंज, इस रेंज इज नॉट डिफाइंड। ओके अब देखना समझना, अब आपको आंसर देना है, ठीक है? अब आप ये बताइएगा कि मैं आपको क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ, इफ फ्लाइट लेवल, फ्लाइट लेवल 80 एंड रेंज इज 30, टू हुम यू विल कॉल, बताओ किसको कॉल दोगे आप? अगर फ्लाइट लेवल 80 है और रेंज आपका 30 है, मान लो क्वेश्चन में है कि यू आर 30 नॉटिकल माइल इन बाउंड टू दिल्ली, आप जो है 30 नॉटिकल माइल अभी दिल्ली से अभी आप घुसने वाले हो, अभी आप 30 नॉटिकल माइल की दूरी पर हो दिल्ली से, और फ्लाइट लेवल आपका 80 है, तो आप सबसे पहला क्या आता है कॉल देना, यू, वाई। वाई कौन है, एटीसी का एक पार्ट है, तो आप किसको कॉल दोगे ऐसे टाइम में? तो आप फ्लाइट लेवल 80 पर हो और रेंज है 30, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। किसको कॉल देंगे बताओ, फ्लाइट लेवल 80 पर, रेंज 30 नॉटिकल माइल है, 30 नॉटिकल माइल है, कोई बोलेगा? नया स्टूडेंट प्रवेश, बोलो किसको कॉल देंगे, समझ में आ रहा है? अप्रोच सर, ओके हाँ गुड ना, तो आंसर दो ना जब समझ में आ रहा है, उससे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है मुझे भी पढ़ाने का कि आप सब कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है ना? देखो मैंने आपको क्लियरली बताया था ना कि अगर आप 50 के ऊपर है, 100 के अंदर है, तो और उसके साथ साथ रेंज आपका 25 नॉटिकल माइल से लेकर के 50 नॉटिकल माइल तक है, तो हम किसको कॉल देंगे, अप्रोच को कॉल देंगे, सही आंसर है, ठीक है? इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। अब बात आप ये समझिएगा, अब चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर। आपका भी रेंज है, यहाँ पर रेंज कर दो 20 नॉटिकल माइल, रेंज इज 20 नॉटिकल माइल एंड फ्लाइट लेवल इट इज 80, आप किसको कॉल दोगे? नाउ हुम यू विल कॉल, योर रेंज इज 20 नॉटिकल माइल एंड योर लेवल इज 80। कोई भी, अतुल आप बताइए, तो हम विल कॉल, टावर हाँ टावर टावर ब्रो ब्रो टावर ब्रो, फ्लाइट लेवल, व्हाट इज योर फ्लाइट लेवल ब्रो, 80। 80 ना, नॉट 80, एट हाँ जीरो हाँ हाँ 80 मीन्स 8,000, 8,000 फीट। ओके 80 मीन्स 8,000 फीट एंड टावर रेंज इज टिल 50, देन हाउ यू विल कॉल टू टावर? वी हैव टू सी टू थिंग ना, रेंज एंड फ्लाइट लेवल, बोथ थिंग वी हैव टू सी, नॉट बाई वन। 20 इज अंडर 50 नॉटिकल माइल ना, सी हाँ टू हाँ जीरो अंडर 50 नॉटिकल माइल, वेट फर्स्ट वी विल लुक टावर,
टावर लेवल इज 5 0, मैक्सिमम 5 0 मीन्स 5000 फीट, सो इट्स नॉट कमिंग अंडर टावर ना, बिकॉज फ्लाइट लेवल 8 0, टावर इज कैंसल. ओके नेक्स्ट वी विल लुक फॉर अप्रोच. अप्रोच लेवल इज स्टिल फ्लाइट लेवल 100. ओके हियर सी व्हाट इज लेवल, फ्लाइट लेवल 8 0, इट्स कमिंग अंडर. ओके नाउ वी विल लुक फॉर रेंज, रेंज इज 2 0 ना, एंड अप्रोच रेंज इज 5 0 टिल 5 0, एंड 2 0 इज अंडर 5 0 ना, सो वी विल कॉल टू हूम, ओके अप्रोच. ओके डोंट बी कंफ्यूज. ओके नाउ अंडरस्टैंड ना. ओके ओके हाँ नेक्स्ट वन इज टेल मी अदर गाइस. योर फ्लाइट लेवल इज नाउ, योर फ्लाइट लेवल इज 4 0. ओके सी हियर दिस वन फर्स्ट वन, दिस वन सेकंड वन. योर फ्लाइट लेवल इज 4 0. ओके एंड योर रेंज इज, एंड योर रेंज इज 2 0. हुम यू विल कॉल? टावर. टावर ओके क्लियर. हाँ वेट, योर फ्लाइट लेवल इज 4 0 बट योर रेंज इज 3 0. हुम यू विल कॉल? योर रेंज इज 3 0, फ्लाइट लेवल इज 4 0. हुम यू विल कॉल? सोचो, एकदम सिंपल है. यू हैव टू सी बोथ थिंग्स, फ्लाइट लेवल एंड रेंज आल्सो, नॉट बाय वन, बोथ यू हैव टू सी. सोचो, 4 0 कम्स अंडर 5 0. ओके दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग टावर, फर्स्ट कंडीशन 4 0 इज कमिंग अंडर 5 0. ओके 5000 फीट, बट रेंज इज आउट ऑफ टावर लिमिट ना, टावर लिमिट इज 25 नॉटिकल माइल. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टावर, देन टावर लिमिट इज ओनली 25 नॉटिकल माइल ना, एंड रेंज इज नाउ 30 नॉटिकल माइल, सो इट्स आउट ऑफ टावर. नाउ वी विल लुक फॉर अप्रोच. अप्रोच फ्लाइट लेवल इज मैक्सिमम फ्लाइट लेवल 100. 4 0 इज कमिंग अंडर 100 ना, सो वी कैन कॉल टू अप्रोच हियर, एंड दिस हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज मैक्सिमम 50 नॉटिकल माइल. 3 0 कमिंग अंडर 50, सो वी विल कॉल टू अप्रोच. वी कॉन्ट कॉल टू टावर, वाई? टावर रेंज इज 25 नॉटिकल माइल, एंड हियर रेंज इज 30 नॉटिकल माइल, इट्स आउट ऑफ टावर, सो वी विल कॉल टू अप्रोच. अंडरस्टैंड क्लास? यस ओके ना, अंडरस्टैंड ना. चलो अगला, गिव मी नेक्स्ट आंसर. इफ योर रेंज इज 40 नॉटिकल माइल एंड फ्लाइट लेवल इज 50, देन हुम वी विल कॉल? रेंज इज 40 नॉटिकल माइल एंड फ्लाइट लेवल इज 50, हुम वी विल कॉल? योर रेंज इज 40 नॉटिकल माइल एंड फ्लाइट लेवल इज 50. बताओ बताओ जल्दी बताओ. अप्रोच अप्रोच ना, वही अप्रोच. देखो फ्लाइट लेवल कमिंग अंडर टावर, ओके बट नो प्रॉब्लम, बट रेंज इज आउट ऑफ टावर, सो वी विल कॉल टू अप्रोच. ओके सो वी विल कॉल टू अप्रोच. दिस देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जो भी आप कॉल देने जाओगे तो फर्स्ट कॉल विल फॉर हुम यू आर कॉलिंग. ओके मस्ट नो हुम यू आर कॉलिंग. चलो अभी हमने बेसिकली यहाँ पर समझा कि टावर क्या है, अप्रोच क्या है, कंट्रोल क्या है. तो क्या ये फिक्स वैल्यू है? इज दिस इज ए फिक्स वैल्यू? फ्लाइट लेवल 50, 25 नॉटिकल माइल रेंज, फ्लाइट लेवल 100 एंड 50 नॉटिकल माइल रेंज, इज दिस इज ए फिक्स वैल्यू? दिस इज नॉट ए फिक्स वैल्यू. ओके आप एक रेफरेंस के लिए इसको याद कर सकते हो, पर दिस इज नॉट अ फिक्स वैल्यू. आप हमेशा अपने मैप को रिफर करना है. जब आप, मैं आपको मैप पढ़ाना सिखाऊंगा, म्यूट कीजिएगा जब, अतुल म्यूट कीजिए, जब आंसर देना हो ना तभी अनम्यूट कीजिएगा. देखना, जो आपका फ्लाइट लेवल है लाइक 50, समटाइम फ्लाइट लेवल 60 भी हो जाता है टावर का, ये सब चीजें आपको मैप के थ्रू समझ में आएगा. जब मैप पढ़ाऊंगा तो उस टाइम रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है. ठीक है, दिस इज नॉट अ फिक्स वैल्यू, हर एक के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सा बदलता है, वो आपके मैप में दिया रहेगा. ठीक है, अब आप ये बताइए कि क्या लखनऊ पे सेम क्राउड है जो दिल्ली में क्राउड है? जहाँ ये बताना, क्या लखनऊ में सेम क्राउड है? चलो ये लखनऊ का एरोड्रोम हो गया. ओके
लखनऊ एरोड्रोम, ठीक है। और अगर दिल्ली का है भाई तो बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, ठीक है। बताओ क्या सेम क्राउड है दोनों के लिए, दोनों जगह के लिए? नहीं, दिल्ली में ज्यादा क्राउड है, दिल्ली में ज्यादा प्लेन्स हैं और लखनऊ में कम प्लेन्स हैं, ठीक है। अब बताओ, मान लो हमें दो चोर को पकड़ना है, ठीक है, मान लो ऐसे नॉर्मल भाषा में समझो आप, मान लो कि दो चोर को पकड़ना है, ठीक है, तो उनके लिए कितनी पुलिस चाहिए? कि चलो एक ही पुलिस उनको दो चोरों को पकड़ लेगी, ठीक है, एक पुलिस दो चोरों को पकड़ लेगी। लेकिन अगर चोरों की संख्या ज्यादा हो गई, लाइक चार चोर हो गए, पांच चोर, छह चोर, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? नंबर ऑफ पुलिस भी हमें बढ़ाना होगा ना, नंबर ऑफ पुलिस भी बढ़ाना होगा। तो सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ होता है, दिल्ली में या इस रेंज में बहुत सारे एयरक्राफ्ट, तो इसलिए ग्राउंड, टावर, अप्रोच, कंट्रोल चार भागों में दिल्ली को बांटा गया है, इसके एरिया को, ग्राउंड, टावर, अप्रोच, कंट्रोल, इसके जो एटीसी को। बट जो लखनऊ है हमारा, लखनऊ में कम ट्रैफिक है, तो इसको किस भाग में बांटा गया है? आप कभी देखना उठा करके, इसको ग्राउंड में, टावर में एंड अप्रोच में, ठीक है, ग्राउंड में, टावर में, अप्रोच में। ये सब चीजें आपको याद नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये चीज याद नहीं करना है कि लखनऊ कितने भाग में बांटा गया, दिल्ली कितने। ये आपके मैप में, जब मैं मैप सिखाऊंगा, नेक्स्ट कल की क्लास मैप की होगी आई थिंक, तो मैं आपको जब मैप सिखाऊंगा तो उसमें आप देखोगे ये सब चीजें कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दिल्ली को कम पार्ट, दिल्ली को डिवाइड किया गया ग्राउंड में, टावर में, अप्रोच में। दिल्ली में जो है कंट्रोल नहीं आता है, जो कंट्रोल जो मैं आपको बताया था सबसे ऊपर वाला रेंज होता है, सबसे अप्रोच के बाद जो रेंज होता है, कंट्रोल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कम जहाज यहाँ पर लैंड होते हैं, जब कम जहाज लैंड होते हैं तो कम टाइप चाहिए, ठीक है, जब यहाँ पर दिल्ली में ज्यादा जहाज लैंड होते हैं तो चार के चारों चाहिए होते हैं, ठीक है। तो क्राउड के अकॉर्डिंग एटीसी के पार्ट्स कम ज्यादा होते रहते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर चार टाइप दिया गया है, यहाँ पर तीन ही दिया गया है स्टेशन पर, इट्स डिपेंड ऑन टोटली क्राउड, ठीक है। अब आई होप आपको कॉल देना, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अब हम किस कंडीशन में किसको कॉल देंगे। चलिए आप ये बताइएगा कि योर फ्लाइट लेवल इज 90 90, योर फ्लाइट लेवल इज 90, वेट, फ्लाइट लेवल इज 90 एंड योर रेंज इज 15, टेल मी, 15 नॉटिकल माइल, होम वी विल कॉल। फ्लाइट लेवल इज 90 एंड रेंज इज 15 नॉटिकल माइल, होम वी विल कॉल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके क्लास। किसी को आ रहा है? अप्रोच ओके okay. अतुल किसको देंगे बताओ? अतुल अप्रोच ओके ओके ओके, सबको आना चाहिए क्लास में, ठीक है ना, जितने लोग पढ़ रहा, मेरा कोशिश ये रहेगा कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो बेसिक हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो लास्ट में चल करके, ठीक है। देखो नेक्स्ट वन इज फ्लाइट लेवल 40, ओके, एंड योर रेंज इज, योर रेंज इज 60, होम वी विल कॉल, योर रेंज इज 60, फ्लाइट लेवल 40, होम वी विल कॉल। सी, फर्स्ट वी विल लुक फॉर फ्लाइट लेवल, दिस इज कमिंग अंडर 50, ओके, बट रेंज इज नॉट कमिंग अंडर 25, सो वी विल नॉट कॉल टू टावर, फर्स्ट वी विल सी टावर, ओके, टावर व्हाट, फ्लाइट टावर कम्स अंडर 50, ओके, 50 कम्स अंडर टावर, ओके, सो फ्लाइट लेवल इज ओके, बट रेंज इज नॉट ओके ना, रेंज इज 25 नॉटिकल माइल फॉर टावर, एंड हियर रेंज इज 60, सो वी विल काउंट कॉल टू टावर, वी विल गो फॉर अप्रोच, अप्रोच मैक्सिमम फ्लाइट लेवल इज 100, द फ्लाइट लेवल 40 कमिंग अंडर 100, बट रेंज इज नॉट कमिंग अंडर 50, रेंज इज आउट ऑफ 50 ना, सी रेंज इज हियर आउट ऑफ 50, सो वी कॉन्ट कॉल टू अप्रोच, वी विल गो फॉर नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, कंट्रोल, सो हियर वी विल गो कॉल टू कंट्रोल, ओके,
here we will give call to control. Why? Because range is out of 50. Understand? ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया ना क्लास? ये वाले पॉइंट में किसी को डाउट है? डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज हम आगे चले. एक पॉइंट क्लियर है ना एवरीवन? अतुल, नंदलाल, प्रवेश, रितेश, सबको क्लियर है ना ये पॉइंट? ओके ओके, आगे चलते हैं. देखो अब हम कॉल देना सीखेंगे. जो हमारा पहला पॉइंट क्या था, वाई एम एल आर, वाई एम एल आर. देखो वाई एम एल आर, वाई समझ गए सब लोग ना, किसको कॉल देना, कैसे. ये हम पॉइंट हमारा क्लियर है अभी, कैसे कॉल देना, किस रेंज में रहेंगे तो किसको कॉल देंगे. नेक्स्ट वन इज मी. मी क्या है? हम कौन है? तो ये आपके क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहेगा, लाइक विक्टर, टैंगो, इको, एक्सरे, नंबर. एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है मी में. तो दूसरा वर्ड होगा क्या है? मी. यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्तों? एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन. एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन क्या है? ओके, उसके साथ साथ जस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद क्या लिखोगे आप? फ्रीक्वेंसी. ये बात अपने दिमाग में रख लो. जब भी आप किसी को कॉल मिलाते हो तो आप पूछते हो कि आप कौन है, फिर आप बताते हो अपने बारे में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे बात करते हो ना किसी. तो आप जब एक पायलट भी एटीसी से बात करेगा तो किसी फ्रीक्वेंसी पे बात करेगा, तो उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है. जस्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपके मैप में दिया गएगा, तो आपको मैं वहां से सिखाऊंगा कितनी क्या फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, उसके बाद क्या है? यल, वाई एम यल, यल है ना तीसरा वर्ड. दिस इज लोकेशन, आप हो कहाँ पर आखिर में, ये बोलना है आपको. उसके बाद लोकेशन. एंड लास्ट वन इज रिक्वेस्ट, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो. ओके, आपको ये चार फंडा फॉलो करना है, वाई एम एल आर. चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तुरंत. देखो सी क्लास, लाइक जिस दिन वीकेंड वगैरह रहेगा ना, लाइक संडे वनडे है, तो उस दिन हम क्लास को और ज्यादा भी खींचा करेंगे. ठीक है ना, ज्यादा और पढ़ेंगे उससे. खैर देखते हैं. देखो क्वेश्चन लिखो सभी लोग, क्वेश्चन लिखो क्लास. यू आर, पहला क्वेश्चन लिखो. यू आर ऑन स्टैंड फाइव, यू आर ऑन स्टैंड फाइव, टेक स्टार्टअप क्लियरेंस, टेक स्टार्टअप क्लियरेंस. यू आर ऑन स्टैंड नंबर फाइव, टेक स्टार्टअप क्लियरेंस. आपको स्टार्टअप क्लियरेंस लेना है, आप स्टैंड नंबर फाइव पर हो. अभी और भी लोग हैं काफी सारे, ड्यू टू एग्जाम उग्जाम की वजह से थोड़ा 2-3 दिन बाद ज्वाइन करेंगे. यू आर स्टैंड नंबर फाइव, टेक स्टार्टअप क्लियरेंस. तो कैसे? हाँ नहीं, वेट वेट, आकाश अभी तुम मत बोलो, वेट. देखो हमारे क्या पार्ट्स हैं इसमें, वाई एम एल आर. मैंने आपको सिखाया था ना क्लास, वाई एम एल आर. अच्छा बताओ, स्टैंड नंबर फाइव पर है तो किसको कॉल देंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में देखो पोजीशन, योर पोजीशन इज स्टैंड नंबर फाइव, हुम यू विल कॉल, बताओ किसको कॉल दोगे सबसे पहले, बताओ. जिसको बोलूंगा बोलेगा. नंदलाल, किसको कॉल देंगे हम? दिल्ली ग्राउंड सर. गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है ना, दिल्ली ग्राउंड हम बोलेंगे, दिल्ली ग्राउंड, दिल्ली ग्राउंड. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैंड फाइव पर, मैंने बताया स्टैंड पे हो गए तो दिल्ली. नेक्स्ट वन इज आपका एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन, क्वेश्चन में लिखा रहेगा. हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं विक्टर, टैंगो, इको, एक्सरे, नवम्बर, जीरो रजिस्ट्रेशन. ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि फ्रीक्वेंसी बोलना जरूरी है, ग्राउंड की फ्रीक्वेंसी. जब आप मैप उठाओगे तो ग्राउंड की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी. तो हम लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल के बोल दे रहे हैं 119.5, जो भी ग्राउंड की फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलना है. आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा हमेशा टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, उसको कॉमा लगाकर यहाँ पर हमेशा एयर बस, जो भी टाइप का एयरक्राफ्ट होगा उसको बोलना है. सेसना है तो सेसना बोलना है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज लोकेशन. अब बताओ आपकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, बताओ. तीसरा वर्ड क्या है? स्टैंड फाइव, योर लोकेशन इज स्टैंड फाइव. ठीक है, और उसके बाद आप क्या बोलोगे लास्ट में? रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप, इसमें कुछ छूट रहा उसमें मैं बताता हूं, स्टार्टअप क्लियरेंस. आपको क्या करना था? स्टार्टअप के लिए क्लियरेंस, तो आप ये बोल दोगे रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप क्लियरेंस. एक आपका बेसिक है एकदम. इसमें देखो अगर आप कभी भी स्टार्टअप ले रहे हो, तो फर्स्ट कॉल है, आप पहली बार स्टार्टअप ले रहे हो, तो आप क्या उस टाइम बोलोगे? स्टार्टअप ले रहे हो, दो चीजें ऐड करनी होगी हमेशा, याद रखना उसको, स्टार मार्क क्लिक करके लेके देना. क्या? स्टैंड फाइव के बाद क्या बोलोगे आप? पर्सन ऑन बोर्ड.
पर्सन ऑन बोर्ड 120, कितने लोग हैं आपके जहाज में बताना जरूरी होता है पायलट को। कभी भी पैसेंजर ऑन बोर्ड नहीं बोलना है। पैसेंजर ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है कि सिर्फ पैसेंजर, पायलट और कैबिन क्रू को निकाल करके। पैसेंजर मतलब, पर्सन मतलब लोग कितने हैं, तो लोग है बोलना उसे पीओबी, पर्सन ऑन बोर्ड 120। उसके बाद क्या आपको बोलना है, SCC, सिक्योरिटी चेक कैरीड आउट। ये वर्ड बोलना, पर्सन ऑन बोर्ड 120, सिक्योरिटी चेक कैरीड आउट, ये दोनों वर्ड आपको बोलना है हमेशा स्टैंड नंबर 5 के बाद, जो भी स्टैंड होगा। देन आपको क्या बोलना है, रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप क्लियरेंस। जो मैंने बोला क्यों, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, स्टार्टअप मांग रहे हो ना, रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप क्लियरेंस। एंड लास्ट में आपको बोलोगे इन्फॉर्मेशन। देखो ये पॉइंट क्या, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, मैं आपको सिखाऊंगा अभी क्लास में, आज की क्लास में सिखा दूंगा। इन्फॉर्मेशन अल्फा, इन्फॉर्मेशन अल्फा ब्रावो चार्ली, आपको ऐसा बोलना होता है। क्या है, दिस इज एटिस और डेटिस आप बोल सकते हो। अगर किसी एयरपोर्ट पर एटिस डेटिस लगा है, उससे काम बेसिकली होता है कि कौन सा रनवे अवेलेबल है, आप कहाँ से उड़ सकते हो, कहाँ लैंड कर सकते हो किस रनवे पे, विजिबिलिटी क्या है, इस सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको डेटिस के थ्रू मिलती है। अभी मैं इसको आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ आज की क्लास में, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप क्लियरेंस, इन्फॉर्मेशन अल्फा या फिर ब्रावो चार्ली, जो भी है आप इस तरीके से कुछ बता सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा एक बेसिक स्टार्टअप का कॉल। क्या क्या बोलना होता है उसमें, आप सबसे पहले क्या पकड़े, वायु, दिल्ली ग्राउंड, ओके, देन विक्टर टाइगर को एक्सरे नंबर 119.5 एयरबस, हो गया ठीक। उसके बाद हो गया क्या हमारा स्टैंड नंबर 5, लोकेशन आप किस स्टैंड पर हो, देन पर्सन ऑन बोर्ड 120, सिक्योरिटी चेक कैरीड आउट, रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप क्लियरेंस, इन्फॉर्मेशन अल्फा, इन्फॉर्मेशन अल्फा ब्रावो चार्ली, सब आपको बताने वाले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो। यू आर ऑन स्टैंड नंबर 6, यू आर ऑन स्टैंड नंबर 6, नोट डाउन करो, यू आर वेट स्टैंड नंबर 6, योर एयरक्राफ्ट डिलेड बाई, योर एयरक्राफ्ट डिलेड बाई 40 मिनट, योर एयरक्राफ्ट डिलेड बाई 40 मिनट, यू आर ऑन स्टैंड नंबर 6, एयरक्राफ्ट डिलेड बाई 40 मिनट, आस्क फॉर स्टार्टअप क्लियरेंस, आस्क फॉर स्टार्टअप क्लियरेंस। यू आर ऑन स्टैंड नंबर 6, योर एयरक्राफ्ट डिलेड बाई 40 मिनट, आस्क फॉर स्टार्टअप क्लियरेंस। देखो समझना, आपकी पोजीशन क्या है, यू आर ऑन स्टैंड नंबर 6, आप सबसे पहले देखो आपका एयरक्राफ्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, योर एयरक्राफ्ट इज डिलेड बाई 40 मिनट। देखो एक चीज होता है FIC, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं, दिस इज अ फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। जब कोई भी एयरक्राफ्ट हमारा टेक ऑफ के लिए जाता है, तो उस टाइम ATC जो है FIC को प्रोवाइड करते हैं, और दिस इज वैलिड फॉर इन नॉर्मल 1 घंटे, 1 घंटे के लिए वैलिड रहता है। अगर कोई जहाज हमारा 1 घंटे से ज्यादा लेट हो रहा है स्टार्टअप के लिए, तो उस टाइम हमें नए FIC नंबर चाहिए होता है। हम नए FIC के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर न्यू FIC, ओके। लेकिन अगर कोई जहाज हमारा 1 घंटे के अंदर है, लाइक 30 मिनट लेट हुआ, 40 मिनट लेट हुआ, ठीक है, 50 मिनट लेट हुआ, तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ भी नया नहीं चेंजिंग करना है, सेम टू सेम हम कॉल दे देंगे, रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप क्लियरेंस। बट स्टार्टअप के पहले एक वर्ड लगाएंगे, क्विक स्टार्टअप क्लियरेंस, क्विक ये वर्ड आपको लगाना है, स्टार करो क्विक। क्यों क्विक, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है, तो ये वर्ड आपको वहां पर जोड़ना है, रिक्वेस्ट फॉर क्विक स्टार्टअप क्लियरेंस। ये फंडा क्लियर हुआ, 1 घंटे वाला क्या सीन है ऐसा, अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो। अगर देखो कोई भी फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर जो नंबर होता है वो 1 घंटे तक वैलिड रहता है। कौन प्रोवाइड करता है, ATC प्रोवाइड करता है पायलट को, इसको भी डिटेल में बताएंगे आगे। तो कौन प्रोवाइड करता है, ATC पायलट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने वाला है, उसके पहले मिलता है, इसका बेसिकली ये काम है कि आपका एयरक्राफ्ट जो है एयरवर्दी है। आपका एयरक्राफ्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी एनिमी का जहाज है जो कि कंट्री में घुस आया है, ये जो इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है और वो बिल्कुल एयरवर्दी है, एक एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर सकता है।
इन जनरली, इसलिए किसने घंटे तक होता है, घंटे तक होता है। अगर आपका जहाज 30 मिनट लेट हुआ, 40 मिनट लेट हुआ, 50 मिनट लेट हुआ, आपके जहाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप नॉर्मल रिक्वेस्ट स्टार्टअप क्लियरेंस मांगो, रिक्वेस्ट क्विक स्टार्टअप क्लियरेंस, बट 1 घंटा 20 मिनट लेट हुआ तो रिक्वेस्ट फॉर न्यू FIC नंबर मांगा जाता है। ठीक है, ये वर्ड आप लिख लो। चलो अब बताओ आप कौन कॉल देगा। अब तो मैं इतना सारा बता दिया ना। कोई बोलेगा? इसमें कुछ कंडीशंस आ गई है ना, कंडीशंस भी मैं बोलना है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बोलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया हूँ, वाई एम। चलो नए पेज में आते हैं, नए पेज में आते हैं। देखो वाई एम एल आर आपको सिखाया था, मैंने इतनी चीज बताया था। लेकिन दिस इज फॉर नॉर्मल कॉल। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन आ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, जैसे इसमें क्या कंडीशन आ गई थी कि आपका जहाज 40 मिनट लेट है, तो हम ऐसे टाइम में क्या करेंगे, दो चीजें और ऐड करेंगे। दो चीजें क्या होता है, सी के जो है इनके बीच में आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में। ओके, सी के आ जाएंगे एल और आर के बीच में। आपको बस इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं। सीज कंडीशन, जो नई कंडीशन आई है आप यहाँ पर छाप दो, बस देख करके, कुछ नहीं करना है। तो नई कंडीशन आपको यहाँ पर छाप, सेम फॉर्मेट याद रखना, बहुत आपको आसानी, बहुत हेल्पफुल होगा आरटी में, देख लेना। सेम फॉर्मेट याद रखना है, सी आप यहाँ पर कंडीशन के काम, कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, उसके खिलाफ काम क्या करना है आपको यहाँ बताना है। समटाइम्स काम और रिक्वेस्ट एक ही हो जाता है, कई बार आपको मिलेगा काम और रिक्वेस्ट एक ही वर्ड, कई बार अलग अलग। तो आप जो है कंडीशन इज गिवन इन ऑलवेज क्वेश्चन। चलो कौन कॉल देगा, आप कॉल दे सकते हो। आप स्टार्ट करो, प्रवेश स्टार्ट करो। आप किसको कॉल दें सबसे पहले, वाई बताओ क्या है। सर गले ग्राउंड हाँ गुड। देखो जब आप कॉल दोगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना पहले दिन से ना क्लास में, तभी आप 40 दिन बाद, 45 दिन बाद इम्प्रूवमेंट होगा आप में, खुद में उस टाइम। दिल्ली ग्राउंड रजिस्ट्रेशन, चलो कोई भी ले लिया कि विक्टर टेंगो इको एक्सरे नवंबर। ओके, फ्रीक्वेंसी सर आपके मैप में दिए रहेगा। हाँ, 119 डेसिमल फाइल, जो भी फ्रीक्वेंसी है आप उसी में देखेंगे। उसके बाद क्या है, लोकेशन, लोकेशन क्या बताओ। सर स्टैंड सिक्स, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। स्टैंड सिक्स लोकेशन हो गया। कंडीशन क्या है बताओ, नई चीज आई है कुछ ना, कंडीशन लिखी हुई है ना क्वेश्चन में। एयरक्राफ्ट, डिले हाँ एयरक्राफ्ट डिलेड बाई 40 मिनट, साफ साफ लिख दो, एयरक्राफ्ट डिलेड बाई 40 मिनट। मिनट काम क्या है यहाँ पर, काम क्या करोगे यहाँ पर, काम और रिक्वेस्ट दोनों ही, दोनों सेम है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है काम रिक्वेस्ट में। तो आप यहाँ पर सिंपली रिक्वेस्ट क्या, फॉर हाँ रिक्वेस्ट फॉर, हाँ रिक्वेस्ट स्टार्टअप क्विक, मैंने बोला था क्विक बोलना वर्ड ना, क्विक इंजन स्टार्टअप, रिक्वेस्ट सर फॉर एक क्विक आवर के अंदर इंजन स्टार्टअप क्लियरेंस। लास्ट में क्या बोलना है आपको, इंफॉर्मेशन क्लियरेंस अल्फा या फिर इंफॉर्मेशन ब्रावो। ये क्या है, एक डेटिस नंबर होता है, ये डेटिस का, डेटिस क्लियर को बोलते हैं। ठीक है, डेटिस क्लियर क्या बोलेंगे इसमें, इंफॉर्मेशन अल्फा, इस तरीके से। ओके, अब क्या कैसे बोला जाता है मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, आज की ही क्लास में पढ़ाऊंगा डेटा सेटिस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बेसिक। अब जो इसे जिसका मिस हो गया तो मैं आप रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जितने लोग भी पेमेंट पूछ चुके हैं सब लोग पढ़ के अच्छे से निकालें पेपर। ओके, इंफॉर्मेशन अल्फा, देखो ये पूरा कॉल सबको समझ में आ गया। सी मैंने बताया कि एक नई सिचुएशन आती है तो जुड़ जाता है, समटाइम काम होगा, काम कैसे करना है हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये आपको स्टार्टअप कैसे देना है अभी आपके इस क्लास के अंतर्गत समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आपको एक कॉल अभी और सिखाएंगे आज ही। वेट वेट वेट, नई स्लाइड पे चलते हैं, पहली स्लाइड पे इसको हटाते हैं, 1 सेकेंड क्लास, इसको इरेज कर दो।
क्वेश्चन लिखो। यू आर ऑन स्टैंड नंबर सिक्स, यू आर ऑन स्टैंड नंबर सिक्स, सेम क्वेश्चन। आस्क फॉर टैक्सी क्लियरेंस, आस्क फॉर टैक्सी क्लियरेंस। यू आर ऑन स्टैंड नंबर सिक्स, आस्क फॉर टैक्सी क्लियरेंस। यू आर ऑन स्टैंड नंबर सिक्स, आस्क फॉर टैक्सी क्लियरेंस। कौन कॉल देगा? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। यू आर ऑन स्टैंड नंबर सिक्स, आस्क फॉर टैक्सी क्लियरेंस। यू आर ऑन स्टैंड नंबर सिक्स, आस्क फॉर टैक्सी क्लियरेंस। चलो इसका आंसर दो। अतुल आप बोलो। अतुल प्लीज टेल मी। YMLR। ओके पहले हुम विल यू कॉल? दिल्ली ग्राउंड। ओके देन विक्टर टैंगो इको एक्स रे नंबर ऑन फ्रीक्वेंसी लाइक 119 डेसिमल 1, जो भी फ्रीक्वेंसी। ओके एंड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट लाइक एयरबस। ओके लोकेशन बी नो स्टैंड 5 4 3 2 1 व्हाट एवर गिवन इन क्वेश्चन। लास्ट वन इज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टैक्सी क्लियरेंस और टैक्सी इंस्ट्रक्शन, क्लियरेंस और टैक्सी इंस्ट्रक्शन व्हाट एवर। ओके इंफॉर्मेशन अल्फा, जो भी ग्राउंड के क्वेश्चंस हैं सब में ऐड करना है चीज। इंफॉर्मेशन अल्फा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अल्फा ब्रावो चार्ली? ये आपको बताने वाले हैं अभी आज की क्लास में। दिस इज डेटिस एंड डेटिस नंबर। ये आपका बेसिकली एक हो गया इट एक कॉल, टैक्सी का कैसे कॉल देते हैं। बाकी और ब्रीफ में टैक्सी के बारे में आगे पढ़ाएंगे। अभी आज पहले हम पार्ट टू का एक पार्ट को कवर करके चलते हैं, जो कि है डेटिस एंड डेटिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फेवरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हो इन सब का। ओके इनका फेवरेट क्वेश्चन, वन सेकेंड। डेट इज, देखो व्हाट इज डेट इज, वन सेकेंड। व्हाट इज डेट इज, किसी को पता है? किसी को थोड़ा बहुत डेट इज के बारे में पता है? नहीं सर, किसी को नहीं पता? चलो कोई बात नहीं है, बताता हूँ आपको। देखो डेट इज डिजिटल ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस। डेट इज का मतलब क्या है? डेट इज का डिजिटल, पार्ट टू का फेवरेट क्वेश्चन है, डिजिटल ऑटोमेटिक टर्मिनल, टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस। ओके क्लास, डिजिटल ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस डेट इज, इसके सामने लिख देना डेटा। इसमें क्या होता है? इसमें होता था कि कौन सा रनवे टेक ऑफ के लिए अवेलेबल है अभी आपका। ओके आपके जो है रनवे एरिया जितना भी है आपका, जो भी आपका ग्राउंड एरिया है, वहां का वेदर क्या है, विजिबिलिटी क्या है। ओके और अराइवल डिपार्चर के लिए रनवे की अवेलेबिलिटी क्या है, होल्डिंग में डिले कितना हो सकता है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको डेटिस और एटिस के माध्यम से दिए जाते हैं। व्हाट इज एटिस, एटिस भी लिखना है यहाँ पर, एटिस, एटिस भी लिखो पहले। इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस। ओके इट इज क्या दोस्तों? ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस इट इज। देखो
जैसे इसमें डेटा माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है मैसेज, सेम यहाँ पर जो है मैसेज को वॉइस में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। यहाँ पर डेटा पूछेगा आपसे हो, क्या फर्क है दोनों में, डेट इज में डेटा के माध्यम से आपको दिखेगा चीजें, बट आपको इसमें सुनाई देगा वॉइस फॉर्मेट में, इट इज ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो आपको कैसे सुनाई देगा है? किस प्रकार से? देखो अभी जो भी एयरबस पे काम करते हो, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं अगर हैं शेड्यूल एयरलाइंस में, तो एयरबस आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। एयरबस में जब आप काम करते हो तो उसमें एक रेडियो का यूनिट है जिसका नाम क्या होता है, RMP, रेडियो मैनेजमेंट पैनल। ओके वन सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पर आपको सिखाते हैं आगे। एक सेकेंड, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, ये सब इरेज करना पड़ेगा। क्लास समझ में आ रही ना आप सबको? कहीं पर ना आए तो मुझे रोक कर पूछ सकते हो। सर हाँ वेट वेट, बताता हूँ आपको। वन सेकेंड वन सेकेंड, थोड़ा इरेज कर दें। देखिएगा, ओके सुनिए, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं, लिख लो इसको जरूर, जब मैं बोला करूँ ना, जैसे मैं कुछ ना लिखूँ बोल रहा हूँ ना, तो आप खुद से लिख लिया करो। हाँ तुरंत, डेटिस और रेटिस क्या प्रोवाइड करता है, वेदर, और क्या प्रोवाइड करता है, रनवे की अवेलेबिलिटी, कौन सा रनवे खाली है, विंड स्पीड प्रोवाइड करता है, हवा की स्पीड क्या है भाई, विंड स्पीड प्रोवाइड करेगा, विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, विजिबिलिटी कम है कि ज्यादा है, ओके, होल्डिंग डिले प्रोवाइड करेगा, होल्डिंग डिले, ये आपको होल्डिंग पॉइंट में आपको बताया था ना, कहा, अब देखो मैंने आपको होल्डिंग पॉइंट सिखाया था ना, होल्डिंग पॉइंट कहाँ था, तो वही होल्डिंग डिले आपको बताया जाएगा, इतना होल्डिंग डिले हो सकता है। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन कैसे बताया जाएगा, पहली चीज तो याद रखना कि डेटिस डेटा फॉर्मेट में मैसेज देगा, एटिस आपको वॉइस फॉर्मेट में मैसेज देगा। ओके कैसे देगा मैसेज, अब अगला पॉइंट हम देखें कैसे मैसेज देगा। वन सेकेंड देखिए, RMP रेडियो मैनेजमेंट एक पैनल होता है, उसमें क्या करना है, पायलट आराम से बैठेगा अपनी सीट पर और प्रेस कर देगा क्या, 126.4 की फ्रीक्वेंसी, ये प्रेस कर देगा, अदरवाइज प्रेस कर देगा 121.65 MHz, दिस इज ऑल्सो इन मेगा हर्ट्स। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी प्रेस करेगा, तुरंत ही उसी टाइम सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वेदर, रनवे, विंड स्पीड, विंड की स्पीड, विजिबिलिटी, होल्डिंग डिले, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है आपको मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी आपको, सिंपली बस 126.4 MHz और 121.65 MHz प्रेस कर देना है अपने RMP में। आपको यहाँ पर ATC से पूछने की जरूरत नहीं है, पायलट को यहाँ पर ATC से कुछ भी पूछना नहीं है, एक वर्ड नहीं पूछना है, सीधा गए प्रेस किए, तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिल गई जितनी भी सारी की इंफॉर्मेशन थी। तो आप हमें ये बताइए इससे बेनिफिट क्या है, एटीस डेटिस को हमने जहाज में लगा दिया, क्या बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या दिखा, आप सोच कर मुझे बताओ, तुम्हें बताता हूँ। डेटिस एटिस हमने जहाज में लगा दिया, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या दिखा आपको, बोलो बोलो बोलो, सोचो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कि हमें ATC से परमिशन नहीं लेना पड़ा, हम विदाउट ATC के परमिशन के ही जान गए कि वेदर क्या ऐसा है, रनवे की अवेलेबिलिटी कौन सी, विंड स्पीड क्या है, विजिबिलिटी क्या है, होल्डिंग डिले क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी, हमें ATC से परमिशन नहीं लेना पड़ा। अब सोचो कि दिल्ली जैसा एयरपोर्ट, मुंबई जैसा एयरपोर्ट, जहां इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, वहां पर ATC से परमिशन लेने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, ATC पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आपको कोई नॉर्मल भी लेना तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके इससे क्या हेल्प होगा, इससे ATC का वर्कलोड रिड्यूस होगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लेना तुरंत, बेनिफिट्स क्या है, ATC का वर्कलोड रिड्यूस होगा। ओके सबसे बड़ी बेनिफिट तो है, उसके बाद नो नीड टू टेक परमिशन फॉर वेदर और रनवे, ओके हमें किसी भी प्रकार का नहीं चाहिए। चलिए अब आपको हम अगला पॉइंट बताते हैं इसमें कि कितने टाइम के लिए जारी किया जाए। नॉर्मली एक जो एटीस इंफॉर्मेशन होता है, ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस जो है, ये जो है 30 मिनट्स के लिए जारी किया जाता है, 30 मिनट्स के लिए, ओके क्लास 30। बट
अब मान लो वेदर बहुत ज्यादा खराब है भाई, बारिश हो रही है खूब तेजी के साथ, बारिश हो रही है, फिर धूप निकल गई, कभी कभी गर्मी में देखते हो ना, बारिश हुई धूप निकल गई फिर बारिश होने लगी, तो ऐसे कंडीशंस में 3 0 3 0 मिनट का टाइम चेंज हो जाता है। आपसे इंटरव्यूअर पूछा कितने मिनट के लिए जारी किया था, तो बोलना सर नॉर्मली तो 3 0 मिनट के लिए होता है, नॉर्मली फॉर 3 0 मिनट, ओके आपको ऐसा बोलना होगा, बट अगर वेदर चेंजिंग है कंटिन्यूअसली सो टाइम विल चेंज, ओके। अब चलो, अब मान लो सुबह की फ्लाइट है, ओके देखना यहाँ पर 5 बजे की, 0500 की, ठीक है, तो 0500 से लेकर के 0530 तक की जो फ्लाइट है उनको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन अल्फा, जैसे उनको एक कोड दे देगा इंफॉर्मेशन अल्फा, दिस इज नॉट अ फिक्स थिंग, इसको आप इंफॉर्मेशन ब्रावो भी बोल सकते हो, चार्ली भी बोल सकते हो, ओके। अगला जो 30 मिनट है, लाइक 0530 to 0600, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन ब्रावो, इंफॉर्मेशन ब्रावो। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, 0600 to 0630, क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन चार्ली। तो बेसिकली ये जो टाइम है, जो 30 मिनट का जो टाइम है, इसी को हम अल्फा ब्रावो चार्ली से ऐसा डिनोट कर रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं कि हम इस 80s के अकॉर्डिंग हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता है। अब आप सोचो स्टार्टअप मांग रहे हो, तो हमने लास्ट में क्या बोला था, इंफॉर्मेशन अल्फा, उन्हें बोल देते ना स्टार्टअप के टाइम, हमने क्या लास्ट में बोला, इंफॉर्मेशन अल्फा। इसका मतलब हम एटीसी को बताने वाले हैं कि हमें वेदर के बारे में पता है, रनवे के बारे में पता है, विंड की स्पीड के बारे में पता है, विजिबिलिटी सब पता है, किसके अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन अल्फा के अकॉर्डिंग, ओके। सेम उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन ब्रावो चार्ली आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स आपको एक ही चीज बोलना है, ओके क्लास। तो ये था इंफॉर्मेशन अल्फा ब्रावो और चार्ली का मतलब जो मैंने आपको सिखाना चाह रहा था। आपको अब बताइए इससे कुछ डाउट है क्या, 80s and 80s से अभी जो मैं आपको पढ़ाया, या फिर जो मैंने आपको कॉल देना सिखाया बेसिक बेसिक आज की क्लास में, जो भी कॉल सिखाया मैंने, इससे कुछ भी डाउट है आपको अभी तक, डाउट है, सभी क्लियर है ना, ओके क्लास आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे, मैप वगैरह पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में हम। थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए, कोई किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे। इतना क्लियर हो, समझ में ना, प्रवेश, अतुल, नंदलाल, सबको यस क्लियर समझ में आया ना मैं सर, सबको, यस ओके ओके थैंक यू, हाँ ओके थैंक यू, ओके सेम टाइम रहेगा, कल कल का टाइमिंग भी बताऊंगा, हाँ वैसे अभी 8 o'clock ही समझना, 8 o'clock पे जनरली क्लास रहेंगी हमारी, 8 या फिर 9 o'clock नाइट में ही क्लास होगी, इन जनरल 9 o'clock मान के चलो, जिसका छूटेगा तो मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा या फिर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ओके थैंक यू। यस सर।